शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। कल रात एक बार फिर से 9 बजे 9 मिनट के लिए देश के बेरोजगारों ने अपने स्वर को देश के मुखिया के सामने, राजनीतिक मुखिया के सामने प्रस्तुत किया और बहुत ही सफलता से किया। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी उन्होंने सारी दुनिया में उसको पहुंचा दिया। ट्विटर पर घंटों वो नंबर वन ट्रेंड किया और जो विश्वव्यापी ट्रेंड होता है उसमें भी वो एक समय वहां पहुंच गया था। उसने 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उसमें शिरकत की। तो देश के बेरोजगारों की ओर से एक इतनी बड़ी ध्वनि चुपचाप मीडिया में बिना देखे निकल गई। बहुत कम जगहों पर उसका रिप्रेजेंटेशन हो पाया, हालांकि वो सोशल मीडिया पर गूंजती रही, गूंज रही है, गूंजेगी। ये देश में एक, आप कह सकते हैं, लोकतंत्र के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी होता है कि जनता की आवाज वो गूंजे, वो हमारे आसमान में गूंजे। वो आसमान में रहती है तो लोकतंत्र सुरक्षित रहता है, वो गायब हो जाती है तो लोकतंत्र रौंद दिया जाता है, तानाशाही आ जाती है। ये इतिहास है हमारे, अपनी 1.5 सदी का, सारी दुनिया में इसको देखा गया है और इसमें रोज नई चीजें जुड़ती जाती है, ये अनुभव रोज परिपक्व होता जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी अवेकनिंग बिना किसी राजनीतिक दल के हस्तक्षेप के, शामिल पीछे से सब हुए इसमें, लेकिन उनकी न इसमें लीडरशिप थी न उनके शुरू करने से ये हुआ, ये अपने आप हो रहा है। सोशल मीडिया से बातचीत लोगों की शुरू हुई, एक माध्यम है जिसमें लोग बात करते हैं, उसमें बहुत तरह के नियंत्रण है, बहुत तरह की बदमाशियां आप जानते हैं कैसे सत्तारूढ़ दल उसका अपने पक्ष में प्रयोग करता है। इस सब के बावजूद ऐसा हो सका और लोग अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचा सके, अपना दुख दर्द एक दूसरे से बांट सके और एक आंदोलन की शक्ल में सामने आए। तो इसके बारे में हम लोग, हमारे यहाँ सत्य हिंदी पर रिपोर्ट भी थी और 5 तारीख का जो आंदोलन हुआ था, 5 तारीख को 5 बजे 5 मिनट के लिए, ये हुआ 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट के लिए, और अब एक तीसरा आंदोलन आ रहा है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर 17 तारीख को 17 बजे यानी 5 बजे 17 मिनट के लिए। तो ये एक अनवरता इसमें आ रही है और इसको ये भी अनवरता साथ साथ है कि जो नेशनल मीडिया है, मुख्य धारा का मीडिया है, उसकी लगातार उपेक्षा कर रहा है। इसलिए आज मैंने इस आंदोलन के एक सूत्रधार, कह लीजिए 1982 बैच के रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह जी, जिनको आप जानते हैं, बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे, बहुत सालों से लगे हुए हैं, VRS लेके आंदोलन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार वगैरह के सवाल उठाते रहते हैं, बहुत सारे मुकदमे उनके खिलाफ हुए हैं इस बारे में, वो सब भी आप जानते रहते हैं। तो उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्हीं से सुनिए कि ये आंदोलन क्या है, कहाँ तक है, कैसे हो रहा है, कौन इसके पीछे है, कौन इसके साथ है, कौन इसके साथ भविष्य में होगा, कैसे कैसे कौन आया, सब उन्हीं से सुनिए। देश में गायब विपक्ष की जगह आपने अवाम में से विपक्ष निकाल दिया। विपक्ष क्या मतलब, सत्ता का सतपुच में एक प्रतिपक्ष समझ में आ रहा है, और जिसमें आप बार बार अपने ट्वीट्स में लिख भी रहे हैं कि आपको इसमें न राजनीति की जरूरत है न राजनीतिकों की जरूरत है, लोगों को आने दीजिए, जिनकी समस्या है वो सामने आए। क्या कर दिया सर? देखिए, एक प्रयोग हम लोगों ने किया था, 3-4 लोगों ने मिलकर एक प्रयोग किया था और मैंने एक आइडिया फ्लोट किया था कि भाई मुझे लोग, युवा लोग मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लोग, मुझे बच्चे फोन बहुत करते हैं कि सर बेरोजगार हैं, विज्ञापन नहीं निकल रहा है, विज्ञापन निकलता है, एप्लीकेशन देते हैं, डेट नहीं तय होती है एग्जाम की, एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू की डेट तय नहीं होती है, इंटरव्यू हो भी जाता है, रिजल्ट बाहर नहीं निकल रहा है। सब परेशान है हम लोग, और ये पूर्व सरकार में भी था, इस सरकार में भी है, तो क्या करा जाए ये। तो जब मैंने सोचा कि चलो अब इसमें सरकार को ही हम घेर सकते हैं, सरकार से ही बात कर सकते हैं। अब सरकार हमारी वैसे तो सुनेगी नहीं, व्यक्ति की सरकार सुनती नहीं होती है, नहीं सुनती है, लोकतंत्र में लोगों की बात सुनती है। जी जी। तो अब लोगों में कौन हो सकते हैं कि विपक्ष में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन पॉलिटिकल पार्टियों की क्रेडिबिलिटी इतनी ऐसी है कि जो अपने बैनर के तले छोटा मोटा प्रोग्राम तो चला सकते हैं वो जी। लेकिन वो प्रोग्राम चलाएंगे, उनका स्वार्थ रहता है, उनको वोट चाहिए प्रोग्राम के साथ में जी, जी, और जब वोट चाहिए तो कॉम्पिटिशन हो जाता है जी। कि भाई अगर समाजवादी पार्टी चलाएगी तो कांग्रेस समर्थन नहीं करेगी, कांग्रेस चलाएगी समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं करेगी जी, जी,
या और पार्टियां जो भी जैसे आप पार्टी है वो तो अभी शुरू किया है उन्होंने कैंपेन जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब ये महसूस हुआ कि पॉलिटिकल पार्टियों के बैनर तले युवा अपनी बात नहीं उठाना चाहता जी, उठा गया इन लोगों से जी जी, तो फिर हमने कहा चलो नॉन पॉलिटिकल एक कैंपेन शुरू करते हैं और सरकार को सरकार की भाषा में ही जवाब देना शुरू करते हैं। टेक्निक तो सरकार की ही है कि ताली बजाओ थाली बजाओ या दिया जलाओ, टेक्निक तो उन्हीं की है जी जी। लेकिन इसको एक अभिनव रूप दे दिया हम लोगों ने, नया प्रयोग कर दिया जी, कि पहले वो सरकार कोरोना के बहाने लोगों पे तीर साधती थी, तीर छोड़ती थी जी, और लोगों को ऊपर डालती थी तुम ही दोषी हो कोरोना के लिए, तुम ही अपना एक मास्क लगाओ, तुम ही सैनिटाइजर करो, हम तो कुछ नहीं कर सकते जी। अब ये पीड़ित जनता की तरफ से जो तीर की डायरेक्शन बदल गई है, अब ये सरकार की तरफ हो गया, इतना प्रयोग हमने थोड़ा परिवर्तन इसमें किया है। ये आपके हिसाब से किन किन राज्यों तक आप इसको ले जा सके हैं और कहां कहां आपके हिसाब से लोग इसके बारे में, अब चूंकि ये दूसरी बार था, आपने पहले 5 तारीख को किया 5 मिनट का और शाम को 5 बजे हाँ। और फिर अब किया 9 मिनट के लिए शाम को 9 बजे, तो इस बार काफी चर्चा हो रही है और ट्विटर पे आपने इसको इंटरनेशनली नंबर वन ट्रेंड करा लिया, नेशन में तो आप 2-3 घंटे तक नंबर वन ट्रेंड करते रहे। तो ये आंदोलन सिर्फ ट्विटर या सोशल मीडिया तक सीमित है या सचमुच में सड़कों पर देश भर में पहुंच रहा है, गाँव में पहुंच रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है? नहीं अभी हमको पता नहीं है इसका। अच्छा, अभी हम लोगों ने प्रयोग किया एक प्रयोग किया तो इसकी डायरेक्शन हमें एक 5 मिनट का जो कार्यक्रम 5 तारीख को था 5 बजे का जी। वो कार्यक्रम भी अच्छा सफल रहा था, वो भी नेशनल ट्रेंड किया था जी जी जी। और वो हमें उससे उत्साह बढ़ा हमारा कि भाई इसका मतलब ये बात सरकार तक पहुंचेगी, लेकिन हो सकता है 5 तारीख के कार्यक्रम को लोग सरकार ने सीरियसली ना लिया हो जी। कि भाई ये तो हमारी बात को हमारे इस तरीके से कह रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं। तो लेकिन जब राज्यों से फीडबैक आया हमें और जो कल का कार्यक्रम हमारा गया है जिसमें कल हमने जो किया है 9 तारीख को 9 बजे का 9 मिनट का कार्यक्रम, ये आपका पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, कोई कोई राज्य बेंगलोर तक और उत्तर प्रदेश तो हमारा केंद्र ही है, यहाँ तक गया। और युवा ने एक चूंकि योगा को भड़ास निकाली है कहीं पे सरकार के खिलाफ, और सर चूंकि देखो निकलेगी तो सरकार के खिलाफ ही ना, और हमने कहा कि हमारी कोई लड़ाई व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, होनी चाहिए ये कि लोग कहें कि ये मोदी हेटर ग्रुप तैयार हो गया या योगी हेटर ग्रुप तैयार हो गया। हमने कहा इसको एक ऐसा सरकार देखो कोई भी सरकारें आई, अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम सत्ता में नहीं रहे, अधिकांश पार्टियां सत्ता में रही हैं कहीं ना कहीं जी। तो जब आप पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले ये अभियान चलाते हो तो जो सत्ता पक्ष है वो हमेशा क्वेश्चन कर सकता है कि भाई तुमने क्या किया जी, जी, जी। उल्टा बाहर छोड़ सकता है उनपे और उसमें डिफेंसिव हो जाते, प्रोग्राम फेल हो जाता है। तो हमने ये लेकिन फिर भी हमने कल समर्थन मांगा था, मैंने खुद लिखा था कि हमें सभी राजनीतिक दलों का समर्थन चाहिए, वो मैं देखना चाहता था वास्तव में लोग बात ही करते हैं बेरोजगार की मुद्दे की या साथ भी आते हैं, ये हमने एक प्रयोग किया था ये भी। और प्रत्याशित हुआ कि 7 मिनट जो मैंने आह्वान किया था 7 मिनट में तेजस्वी यादव का समर्थन आ गया और 45 मिनट में अखिलेश यादव जी का समर्थन आ गया और कांग्रेस का विलंब से थोड़ा आया 4.5-5 घंटे बाद इनका समर्थन आ गया, प्रियंका गांधी जी का समर्थन आ गया, हम भी समर्थन करते हैं। तो जब ये आ गया समर्थन तो फिर उस समर्थन को ये अब हमारे लिए चूंकि समय बहुत कम था ये रोकना तो संभव नहीं था कि ये पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने बैनर टोपी झंडा लगाए, अब हमें कोई आपत्ति भी नहीं, लगाए आप लेकिन आप अपने पार्टी के कार्यक्रम को अपनी पार्टी के दफ्तर पर सीमित रखें, वो एक सड़क पे ऐसा प्रतिद्वंद्वता दिखाई नहीं देनी चाहिए ताकि सत्ता पक्ष को ये कहने का मौका मिले कि भाई सूर्य प्रताप सिंह जो चला रहे हैं अभियान ये नॉन पॉलिटिकल नहीं, तो कांग्रेस चलवा रही है, ये तो समाजवादी पार्टी चलवा रही है जी, जी, जी। उसका हमें डर था इस बात का, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने स्पेसिफिकली लिखा भी कि आप समर्थन दें हमें लेकिन बिना झंडा टोपी के साथ दें, आप युवा का साथ दें, मुद्दा कॉमन है और इसलिए दें ताकि कॉज ना खो जाए आपकी राजनीति के चक्कर में। आपके अलावा जो इसमें और 2-3 सक्रिय लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बड़ी भूमिका निभाते हैं, वो कौन कौन है जिनका नाम आप उल्लेख करना चाहें? देखिए हमारे साथ एक मीना, एक ट्राइबल आर्मी का ग्रुप है, वो ग्रुप पहले से सक्रिय रहा है लेकिन वो दलितों में भी वो ट्राइबल के मुद्दे उठाता है
जी और उसको थोड़ा व्यापक रूप देने के लिए कि भाई चूंकि दलित का मुद्दा भी इसमें आना चाहिए, तो वो फिर उन्होंने उसको भी सम्मिलित कर लिया, तो उनका हमारे पास साथ जुड़ गया। उससे क्या हुआ, एक सामाजिक लड़ाई का जो एक है, मुद्दा है कि जो सोशल जस्टिस का मुद्दा है वो हमारा पहले से फेवरेट रहा है, उसको हमें जोड़ने में मदद मिल गई कि भाई क्यों नहीं दबे कुछ के पिछले वर्ग के लोग हैं जो उनको जो ज्यादा बहुत ज्यादा संख्या ट्विटर पे नहीं है उनकी, लेकिन फिर भी उनको क्यों ना साथ में जोड़ा जाए क्योंकि उनकी रीच भी इंटरनेट से नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इसलिए लोग लगे। वो ग्रुप भी हमारे साथ ट्राइबल आर्मी का ग्रुप भी लगा और हम तो एक इंडिपेंडेंट के रूप में काम करते ही हैं, लेकिन हमारे साथ जो 2014 से जो मैंने आंदोलन चलाया प्रदेश के अंदर, जो जो वॉलंटियर सुसुप्त हो गए थे, जो रास्ता देख रहे थे कि अब कुछ करा जाए क्या करा जाए, वो 2.5 लाख वॉलंटियर वो सक्रिय हो गए एकदम। अच्छा। और आप देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बनारस यूनिवर्सिटी में लॉन में बैठ के, हॉल में बैठ के, जुबली हॉल में बैठ के लोगों ने 50-50, 100-100 लोगों ने बैठ के ट्विटर पे संभाल रखा था मोर्चा। तो वो एक आईटी सेल से भी बड़ा सेल बन गया। अगर मान लीजिए 5,000 युवा लगा है ट्विटर पे, तो किसी भी पार्टी का आईटी सेल उसके सामने कुछ नहीं है, वो फेल हो जाता है। ये जो सोशल मीडिया पे इस तरह की अवेकनिंग आई है, इसको रजिस्टर कहीं कर रहे हैं आप? कहीं आप इसका कोई ऑफिस ऑफिस बना के, या इनको सबको मतलब एक एंगेज करने का, जैसा एक आम आदमी पार्टी ने एक जमाने में जब आंदोलन अन्ना वाला किया था, तो पीछे से एक उनके बैकअप टीम थी केजरीवाल वगैरह के नेतृत्व में, उन्होंने सारी दुनिया में और देश भर में फैले हुए सब लोगों को जोड़ा, एक पार्टी भी बाद में बना ली जिससे एक दिल्ली की सरकार भी बना ली। तो इस तरह की कोई चीज भी आपके पीछे हो रही है, या अभी ये फ्री फॉर ऑल चल रहा है? अभी अभी तो एक एक शुरुआत है। एक देखो, पहला भी मेरा 4-5 साल का जो कार्यक्रम चला था, उसको आप ये मान के चलेंगे उसको हमें कोई ये मोटिव है कि उसको क्रिस्टलाइज करके जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देना है, पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, कोई कुर्सी चाहिए, वो मोटिव नहीं है इसका। अच्छा, अच्छा। वो जिस दिन ये मोटिव आ जाएगा, अभियान ये फेल हो जाएगा आपका। जी, जी, जी। अभी तो ये है कि किसी तरह से युवा को जोड़ा जाए, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, और उसी के तहत आपको और भी सूचना देना चाहता हूँ कि 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, 17 सितंबर को। ठीक। तो एक अभियान मैंने अभी लॉन्च किया है आधा घंटे पहले ही जी। उसको हमने 777 का संज्ञा दिया है, 17 17 17। ठीक। 17 तारीख को 17 घंटे 17 बजे शाम को 5 बजे। ठीक। 17 आवर्स पे 17 मिनट के लिए एक मुहिम चलेगी। ठीक। जिसमें प्रधानमंत्री जी को उनके दीर्घायु होने की, उनके उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी जी। और सारा जो युवा है वो शाम को 5 बजे और वो अपने जो विज्ञापन है नौकरियों के, उनके प्रार्थना पत्र है नौकरियों के, उनके जो असफल नियुक्ति पत्र है, उनके जो डिग्री और मार्कशीट की फोटोकॉपियां हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं क्या करूं इन डिग्रियों का, मैं मार्कशीट का, मेरी असल है ये, लेकिन फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही, उनकी होली जलाएंगे वो। ये मैंने अभी अभी लिखा है थोड़ी देर पे पहले और ये भी भेजा है। तो ये थोड़ा सा अलग है, ये सरकार की भाषा नहीं है, ये युवा की भाषा में सरकार को एक विनम्र आग्रह है या अनुरोध है, ताकि मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का निजी ध्यान आकर्षित हो सके कि भाई इतनी बड़ी संख्या में लाखों लोग आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपके दीर्घायु की होने की कामना कर रहे हैं, और साथ में अपनी डिग्रियां और मार्कशीट और विज्ञापनों की कॉपी वो फूंक रहे हैं कि उसके लिए वो यूजलेस लगती है। माता पिता ने पैसा खर्च किया, माता पिता ने पढ़ाया, समय लगाया, और वो किसी काम नहीं आई, तो इनको हमें रोजगार दो ताकि हमारे काम आ जाए। ये हम लोगों ने लॉन्च किया है 17 तारीख का एक कार्यक्रम। आपका क्या मत है इस पे? ये बहुत अच्छा है। आप ये मत तो क्या, ये तो आप लोग कर रहे हैं, हमारा काम है आपको रिपोर्ट करना, क्योंकि जो रेगुलर मीडिया है वो इन चीजों का अवॉइड करता है, जबकि मीडिया का ये काम है कि इन चीजों को वो जरूर बताए जिससे लोग जान सके कि सरकार का प्रचार करना तो बहुत आसान है, जरूरत है कि जनता की समस्याएं और जनता की आवाज, जनता के आंदोलन लोगों के सामने पहुंचे। तो हमारा काम जो है, हम आपको ले जा रहे हैं लोगों तक कि लोग जाने कि देखिए सूर्य प्रकाश जी क्या कर रहे हैं रिटायर होने के बाद, या पहले ही रिटायरमेंट BRS लेके क्या कर रहे हैं, उससे समाज में हो क्या रहा है, ये लोगों को पता तो चलना चाहिए। तो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कुछ ये 17 वाला कार्यक्रम अब आपका बढ़ाते हैं आगे, और कुछ बताना चाहें इस कार्यक्रम में? देखिए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जो रेगुलर मेनस्ट्रीम मीडिया है उसको तो छोटे छोटे मुद्दों को और एक वो कहिए कि एक एजेंडा, वो चलाने से फुर्सत नहीं है। ठीक।
आप देखिए 1.4 मिलियन लोगों ने इस कार्यक्रम को चलाया, जो कल का कार्यक्रम हमारा था। लोकल एक दो चैनल्स को छोड़ के किसी मेनस्ट्रीम मीडिया की तवज्जो नहीं गई कि बेरोजगार युवाओं की पीड़ा, उनका दर्द, उनका दुख उनको दिखाई नहीं दिया। उनको किसका दर्द दिखाई दे रहा है? छोटे छोटे कांगना रनावत शुरू हो गया, अभी रिया चक्रवर्ती शुरू हो गया, ये चल रहा है। उनका घर गिर गया, कह नहीं हो, इमेजिन एक इतने लो लेवल तक आ गया। एक आपका और मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, एक दिवस हम तय करेंगे, मीडिया अधिकार दिवस बनाएंगे, उसमें मीडिया को धिक्कारेंगे कि चौथा स्तंभ गिर चुका है। और उसके लिए वास्तव में उस दिन हम लोग तरह तरह के मिट्टी के खंभे बना के गिराएंगे। ये मैं अभी घोषणा नहीं करना चाह रहा था कि चौथा स्तंभ, जो चार स्तंभ बनाएंगे खंभे मिट्टी के, उसमें से चौथे स्तंभ को गिराएंगे हम, या उसको झुकाएंगे कि ये पहले और दूसरे स्तंभ के सामने झुक गया है। तो ये थीम है एक लेके चल रहे हैं। वो अभी देखो, सबको लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था हो जिसमें लोगों की आवाज लोगों तक पहुंचे, ये मीडिया का रोल था, जो भूल गया मीडिया अपने उसको, उस रोल को जो आप कर रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग अपने काम में सफल हो। इस देश में बेरोजगारी सचमुच में इतनी बड़ी समस्या है जिससे हम सब परिचित ही हैं, लेकिन इस परिचय को एक आंदोलन में बदलने का जोखिम, मेहनत, संघर्ष आप लोग कर रहे हैं। आप लोग को साधुवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।